पाकिस्तान ने बेशर्मी की नई सीढ़ी चढ़ ली है और इस बार उसने अपने ही देश के मासूम बच्चों को मोहरा बना लिया है। हालात तो ये है कि अब भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए आतंकवाद के साथ साथ बच्चों की आड़ में भारत के खिलाफ नापाक हरकत करने से भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अबू से कहूंगी कि गोवा के साहिल पर एक बड़ा सा घर ले। कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। है तो ये मासूम बच्चे, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान ने एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर घिनौनी कोशिश की है जिसमें पाकिस्तानी बच्चे भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे। सुनिए किस तरह से ये पाकिस्तानी लड़की भारतीय सेना से झाड़ू लगवाने की गुस्ताखी कर रही है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान को जहर उगलने के लिए बच्चों का ही सहारा लेना पड़ रहा है। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। जिस उम्र में बच्चों को अच्छी तालीम देने, नेक इंसान बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए, उस उम्र में इनके बेहतर भविष्य के सपनों को किस तरह से पाकिस्तान अपने आतंकी मंसूबों की भेंट चढ़ा देने पर उतारू है। सुन लो के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। वीडियो में बच्चे आरएसएस को भी निशाने पर लेकर उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान में किस तरह जहर भरा जा रहा है। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। अब हिंद बनेगा पाकिस्तान बनाने का सपना देखने वाले दहशतगर्दों ने बड़ी तादाद में युवाओं को आतंक के रास्ते पर धकेल कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वहीं फिर से पाकिस्तान अब इन बच्चों के भविष्य में आतंक का साया लाने की तैयारी कर रहा है। आतंकिस्तान का ये घिनौना एजेंडा अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इस बार बेशर्म पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।